अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज की टॉप स्टोरीज, परवेज़ इलाही की अब जरूरत नहीं, नियाज़ी का एक और धोखा। बाजवा कहां गया? आज की टॉप स्टोरीज, परवेज़ इलाही की अब जरूरत नहीं, नियाज़ी का एक और धोखा। इमरान खान ने अपने ही इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों का एतराफ कर डाला, पहली दफा अपनी गलतियों को तस्लीम भी किया और कुछ राज भी फाश कर डाले। मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल और पंजाब में सियासी तब्दीलियां। पंजाब वो सूबा है जहां कोई असेंबली मौजूद नहीं है, वजीर आला साबिक वजीर आला हो गए, स्पीकर असेंबली साबिक स्पीकर असेंबली हो गए। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि बहुत सी गलतियां हुई हैं मुझसे, तस्लीम करता हूं। पहली गलती जो मैंने एक्सटेंशन दे दी। बाजवा साहब को जैसे ही एक्सटेंशन दी उसके बाद उनका बयानिया ही तब्दील हो गया। मतलब बिल्कुल वाजे है, वो बाजवा जो एक्सटेंशन से पहले हुआ करता था, इदारों की, हकूमत की और सबकी सलामती और एक पेज पर होने की बात करता था, एक्सटेंशन के बाद तब्दील हो गया। मैं हैरान परेशान रह गया कि बाजवा को क्या हो गया है। एहतसाब अदालतों से केस वापस लेने की बात की जा रही थी, एहतसाब ना करें, और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बाजवा इतनी जल्दी अपने बयानिये को तब्दील करके NRO 2 दे देगा। एक जाने पर गलतियों का एहतराफ किया और दूसरी जाने पर U-turn भी ले लिया। पंजाब असेंबली के तहलील होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील करना था, लेकिन अब तक तहलील ना हो सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी ये बात कहते हुए नजर आए कि अपनी समरी गवर्नर तक पहुंचा दी है। जैसे ही गवर्नर उस पर दस्तखत करेंगे उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर साहब ने समरी पर दस्तखत नहीं किए बल्कि ये कह डाला कि आईनी और कानूनी तरीके से असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली के तहलील होने के बाद लोग मुंतजर रहे कि कब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील किया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने U-turn लेते हुए कहा कि अभी एक हफ्ता बाकी है। या तो फवाद चौधरी साहब बहुत जल्दबाजी में नजर आते हैं या फिर खान साहब का बयानिया और सियासत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जिसमें अपने पार्टी के अराकीन को वो साथ शामिल करना जरूरी नहीं समझते। ज़राए ने यह भी खबर दी है कि पंजाब के MPAs और बिलखसूस मोनस इलाही इस हवाले से काफी नाराज नजर आ रहे हैं इमरान खान से। मोनस इलाही ने इमरान खान को टेलीफोनिक राब्ता भी किया। ज़राए ने यह भी बताया है कि मोनस इलाही ने इमरान खान को कहा कि अपने वालिद को बड़ी मुश्किल से राजी किया था। खान साहब फिलफोर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से इकदाम करें। ज़राए ने यह भी बताया है कि इमरान खान ने अपने ही पार्टी के अराकीन से मशवरा करते हुए ये बात कही है कि अब काफ लीग के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। माजी करीब में हम ये देख भी चुके हैं, इमरान खान इदारों के खिलाफ बात करते रहे जबकि परवेज़ इलाही इदारों के हक में बात करते रहे। इमरान खान ने खुद इस बात का एतराफ किया कि परवेज़ इलाही की वजह से हमें नुकसान भी हुआ है। दूसरी जाने पर काफ लीग के अराकीन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में ये बात करते हुए नजर आए कि हमें ताना दिया जाता है, 10 लोगों की जमात है। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को इमरान खान ने अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, जब उस वक्त के वजीर आला परवेज़ इलाही ने इमरान खान से एक सीट के एडजस्टमेंट के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुझे पंजाब के कुछ अजला दे दें, जिस पर इमरान खान ने और उनकी पार्टी के दीगर अराकीन ने नाराजगी का इजहार भी किया और ये कह दिया कि पहले हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, उसके बाद जितनी मर्जी सीटें मांग लें। और इमरान खान ने इस राज का पर्दा अपने ही प्रोग्राम में फाश कर डाला। इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि परवेज इलाही और मोनस इलाही PTI में शामिल हो जाएं। परवेज इलाही के एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जबकि इमरान खान का माजी इस बात का गवाह है कि इमरान खान एहसान फरामोश इंसान है। जहांगीर तरीन को ही देख लें, इमरान खान के करीबी दोस्त होने के बावजूद उनसे फैज हासिल ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन इमरान खान से नाराज नजर आते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस बात पे पुरउम्मीद नहीं था कि हमारे वोट इकट्ठे हो जाएंगे, प्लान बी भी तैयार कर लिया था कि अगर हमारे वोट मुकम्मल ना हुए तो एक करारदाद पेश कर डालेंगे असेंबली में और तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के हवाले से तारीख आगे ले जाएंगे। शुक्र है कि उस दिन धुंध नहीं पड़ी। हाफिज अमार के हवाले से इमरान खान ने ये कहा कि उनको लाने के लिए पंजाब पुलिस की 4 गाड़ियों को भेजा गया, क्योंकि इमरान खान इस बात को जानते हैं कि उनके पार्टी के लोग मोमना वहीद की तरह उनसे नाराज नजर आते हैं।
मजीद इमरान खान अपने दुखड़े रोते हुए ये बात कहते हुए नजर आए कि मुल्क में इस वक्त सियासी इंजीनियरिंग चल रही है। आप एमक्यूएम को ही देख लें, कैसे लॉन्च किया जा रहा है। खान साहब, ऐसी ही इंजीनियरिंग कुछ आपके लिए भी की गई थी, लेकिन उस वक्त ये जायज और हलाल मालूम होती थी। जब इमरान खान से पूछा कि बाजवा साहब की शख्सियत को सामने रखते हुए इदारे को क्यों तनकीद करते हैं, तो कह डाला कि मेरा मसला इदारे के साथ नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के साथ है। मेरे लोगों को फोन कॉल्स पर कहते हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, उस पर रेड लाइन लगा दी है। मत भूलें, ऐसी ही रेड लाइन मुजीबुर रहमान पर लगाई गई थी, जिसके बाद मशरक पाकिस्तान वजूद में आया था। ऐसी ही रेड लाइन जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगाई गई थी, और जिसके बाद एमक्यूएम का वजूद सामने आया था। 70% लोगों पर हकूमत करता हूं, 2 सूबों की हकूमत मेरे पास रही है, मुझसे माफी मांग लें, मामला खत्म हो जाएगा। यानी के अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। आज की दूसरी टॉप स्टोरी, बाजवा कहां गया। मुल्क के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा तस्वीर से गायब हो जाते हैं। सवालात पूछे जाते हैं कि कहां चले गए बाजवा साहब, क्या पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गए हैं। जराए ने यह खबर दी है कि इस वक्त मुल्क के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। अपने बेटे की सर्जरी के हवाले से वो वहां गए हैं। 16 जनवरी को ये सर्जरी होनी थी, मगर अब 17 जनवरी को ये सर्जरी होगी। और जराए ने यह भी बताया है कि 21 या 22 तारीख को मुल्क के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वतन वापस आ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या बाजवा साहब वतन वापस आएंगे या वहां से लंदन की परवाज लेंगे। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा प्रोग्राम क्या होगा।